स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 5 को लेकर के, जो कि आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर और साथ ही अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने 1 से 4 तक की लेसन प्लान को लेकर की बात की थी। आज हम यहाँ बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि गृह विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे कक्षा 8 और 9 दोनों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जो हेडिंग डालेंगे वो पाठ योजना संख्या यानी लेसन प्लान नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आएगा कॉलम वो है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ पर उस विद्यालय का आप नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना लीजिएगा, जिसमें पहला जो कॉलम रहेगा वो दिनांक यानी डेट का रहेगा। जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर मेंशन करिएगा, यहाँ पर उस डेट को डालिएगा। उसके बाद कक्षा जो है 8, कक्षा 9 के लिए भी आप पाक कला टॉपिक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 8 और 9 दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये टॉपिक चूज किया है, तो बिल्कुल आप कक्षा 8 या 9 दोनों के लिए इसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट है आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस। चक्र यानी पीरियड पहला दूसरा तीसरा कोई भी हो सकता है, यहाँ प्रथम पढ़ा है तो आप प्रथम ही डाल दीजिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट कॉलम आएगा वो है अवधि यानी टाइम पीरियड। आप टाइम को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, यानी 30-35 मिनट एंड मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वो है आपका 40 मिनट, उससे ज्यादा का मत रखिएगा। यहाँ पर 35 मिनट पड़ा है तो आप यही डाल लीजिए। उसके बाद जो पहली हेडिंग आएगी वो है प्रकरण। प्रकरण मतलब टॉपिक होता है आपका, टॉपिक है पाक कला, इस टॉपिक को लेकर ही हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यही हमारा प्रकरण हुआ। इसमें सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी आपके जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो कि आपके आपके विषय से संबंधित होंगे यानी होम साइंस से संबंधित होंगे। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में आप बताएंगे छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तीसरा है पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करना। चौथा है भोजन पकाने की आवश्यकता तथा दैनिक जीवन में भोजन की पाक कला का महत्व सिखाना। तो दोस्तों ये थे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके विषय यानी सब्जेक्ट गृह विज्ञान से संबंधित थे। आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं दोस्तों वो आपके प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होंगे। इसमें आप क्या देंगे, इसमें बताएंगे कि छात्राएं पाक कला के विषय में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर पाएंगी, यानी पाक कला क्या होती है उसे बता पाएंगी छात्राएं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो है छात्राएं पाक कला की विभिन्न विधियों व तरीकों को जान सकेंगी। तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य के 2 पॉइंट। आगे से में देखेंगे कुछ और पॉइंट। विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पॉइंट देखेंगे, पाक कला द्वारा छात्राएं भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगी, ठीक है। चौथा पॉइंट है छात्राएं आहार में विविधता लाने के तरीकों का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपके प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित थे। आगे देखेंगे उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है सहायक सामग्री, जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री यानी कक्षा में आपने टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज की हुई हैं, बिल्कुल आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे शामपट हो गया आपका, चौक, डस्टर, कोई चार्ट या मॉडल या कोई चित्र, ठीक है, जो भी चीजें आप यूज करेंगे बिल्कुल आप यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी जो अगली हेडिंग वो है पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज। छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है, छात्राएं कुछ पाक कला अर्थात भोजन पकाने की विधियों से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये था छात्राओं का पूर्व ज्ञान, ठीक है, जो कि भोजन से संबंधित था। आगे देखेंगे अगली जो हेडिंग आएगी वो है प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, तो अगर प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवाने के लिए छात्राओं से करते हैं। इसमें एक तरफ छात्रा अध्यापिका क्वेश्चन करेंगी और छात्राएं उसका उत्तर देंगी। आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, ये बॉक्स थोड़ा आप बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। क्रम संख्या डालिएगा छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। इसमें छात्रा अध्यापिका ने पहला प्रश्न किया, बच्चों हम सब्जियों, दाल, अनाज आदि को कैसे खाते हैं, ठीक है। तो छात्राओं ने बताया कि हम इसे पका कर खाते हैं।
आपने फिर दूसरा क्वेश्चन किया, फल सब्जियों दाल अनाज आदि को हम कैसे पकाते हैं। छात्राओं ने बताया उबाल कर, तल कर, सेक कर, भाप से आदि द्वारा, जो भी जैसे भी तरीका उन्हें पता था उन्होंने बताया। फिर आपने प्रश्न किया हम इन भोज्य पदार्थों को पका कर ही क्यों खाते हैं। ठीक है, आपने ये छात्राओं से प्रश्न किया, छात्राओं के लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं आता। ठीक है, हमने कहा था जब तक समस्या नहीं उत्पन्न होगी तब तक आपका उद्देश्य कथन नहीं आएगा। फिर अगली हेडिंग जो डालेंगे आप वो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम पाक कला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन सीधा आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, यानी आप जो भी प्रकरण लेके चल रहे हैं यहाँ पर वही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ छात्रा अध्यापिका प्रश्न करेंगी छात्राओं से। ठीक है, छात्राएं अगर उत्तर नहीं दे पा रहे तो उस पर स्पष्टीकरण देंगी। इसके लिए आप सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले क्रम संख्या डालेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर तीसरा है छात्रा अध्यापिका कथन या छात्रा अध्यापिका क्रिया भी डाल सकते हैं, छात्रा कथन, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। इस तरह आपने 6 कॉलम बना लिए। सबसे पहले आपने क्रम संख्या 1 डाला क्योंकि शिक्षण बिंदु पहला शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षण बिंदु आप पाक कला को ले रहे हैं क्योंकि उसी के बारे में आपको परिचय देना है। इसके लिए आपने प्रश्न किया, आप प्रश्न कर रहे हैं एक भोज्य पदार्थ का रूप, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन कहलाता है। छात्राएं सोचते हुए मौन हो गई क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हुआ। यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। जब छात्राएं मौन हो जाए तब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। आपने स्पष्टीकरण दिया पाक कला का अभिप्राय विभिन्न पाक विधियों द्वारा पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोज्य पदार्थों को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणु रहित तथा आकर्षक बनाना है। यही जो है पाक कला हो गई। ये परिचय दिया आपने पाक कला के बारे में। छात्राएं इसी स्पष्टीकरण को ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ आपने पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण दिया या व्याख्या की, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, अगला देखेंगे शिक्षण बिंदु। ये पहला था, अगला शिक्षण बिंदु दूसरा आया भोजन पकाने के उद्देश्य। तो ये दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला प्रश्न किया आपने अनाज, सब्जियां, दालों आदि को उबाल कर या पका कर ही क्यों खाते हैं। छात्राओं के लिए फिर समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि उनको इसका उत्तर नहीं आता। यहाँ पर भी प्रश्नीकरण विधि हुई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे। जब समस्यात्मक प्रश्न हुआ तब स्पष्टीकरण, भोजन या भोज्य पदार्थों को पका कर खाने के मुख्य उद्देश्य हैं। अगले पन्ने पे देखेंगे क्या उद्देश्य हैं। शिक्षण बिंदु दूसरे का ही ये स्पष्टीकरण उसी के आगे है। इसमें आपने पहला पॉइंट दिया उद्देश्य में भोजन को सुपाच्य बनाना यानी पचाने योग्य बनाने के लिए, दूसरा है जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है, तीसरा है पोषक मूल्यों में वृद्धि हेतु, चौथा है भोज्य पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि के लिए, ठीक है, पांचवा है आहार में विविधता लाने हेतु, छठा है भोजन स्वादिष्ट व खाने योग्य बनाने आदि के लिए। तो ये उद्देश्य थे पाक कला के, अर्थात भोजन पकाने के। ठीक है, तो इसी स्पष्टीकरण को छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ भी आप पाठ से संबंधित व्याख्या दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हुई। ठीक है, और श्यामपट कार्य के लिए बिल्कुल आप ऐसे छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, आहार में विविधता। ये कॉलम आप 2 पन्नों में कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक ही बना दिया है, ताकि आप अलग अलग पन्नों में हो जाता तो आप समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसे आप बड़े बड़े चौड़े चौड़े कॉलम बनाइएगा ताकि ये श्यामपट कार्य जो मैंने छोटा सा बनाया थोड़ा आराम से आ जाए। ठीक है, श्यामपट कार्य में आपने दिखाया आहार में विविधता। आहार में विविधता का मतलब होता है तरीके कि भोजन को कौन कौन तरीकों से पका सकते हैं, जैसे सेक कर पकाया जाता है, तल कर, उबाल कर, भाप से पकाना, भट्टी व माइक्रोवेव कुकिंग द्वारा। ठीक है, तो ये आहार में विविधता यानी तरीके हैं भोजन को पकाने के। तो यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हुआ। देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु, इसमें आपने पॉइंट लिया भोजन पकाने का तरीका। इससे संबंधित आपने प्रश्न किया छात्रा अध्यापिका कथन में हम भोजन को परोसने के लिए किस शैली या तरीके को अपनाते हैं। तो यहाँ पर छात्राओं ने उत्तर दिया चौकी लगाकर, थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच द्वारा परोसने का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्नीकरण या प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं, छात्राएं उत्तर दे रही हैं। ठीक है, फिर आपने दूसरा प्रश्न किया यह तरीका किस शैली के अंतर्गत आता है।
जब छात्राएं मौन हो जाए, ठीक है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाए उनके लिए, तब आप स्पष्टीकरण देंगे। आपने स्पष्टीकरण दिया। भोजन परोसने की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें आपने बताया भारतीय शैली, यानी जो पहली शैली है, इसमें लिखा है जिसमें फर्श पर चौकी लगाकर भोजन परोसने के तरीकों को अपनाया जाता है, वो भारतीय शैली होती। कहने का मतलब है यह अत्यंत जो है प्राचीन शैली है। इस शैली में जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया जाता है। भारतीय शैली में भोजन परोसने की कई विशेषताएं होती थी, जिसमें मतलब जमीन पर बैठ करके और पाटा वगैरह लगा करके भोजन परोसा जाता था, ठीक है, यानी बैठाल करके खाना खिलाया जाता था, तो वो भारतीय शैली थी। फिर दूसरा पॉइंट आएगा पाश्चात्य शैली। इस विधि में अलग डाइनिंग कमरा होता है। पाश्चात्य शैली आपकी कह सकते हैं कि जो विदेशी शैली में परोसने का नियम था, जैसे मेज पोश बिछा कर, उस पर चटाई बिछा कर, फुल प्लेट, अच्छे से फुल प्लेट लगा कर, जैसे आप कह सकते हैं ना डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सजा कर भोजन परोसा जाता था ना, वैसी ये पाश्चात्य शैली की बात हो गई, ठीक है। अब आखिरी जो तीसरा पॉइंट आप देंगे वो है बुफे शैली। बुफे शैली जो कि आजकल सभी शादी बारात सभी में आप देखते हैं, बड़े बड़े जो प्रतिभोज होते हैं, जैसे शादी, जन्मदिन, उद्घाटन समारोह आदि पर बुफे शैली द्वारा भोजन परोसने का तरीका अपनाया जाता है। कहने का मतलब है बुफे शैली के अंतर्गत आप खुद ही भोजन परोसकर खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके भोजन परोसने के कई तरीके जो कि आप छात्राओं को बताएंगे, ठीक है। इसी स्पष्टीकरण को छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ भी आप पाठ से संबंधित व्याख्या कर रहे हैं या स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। आगे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो ये हो गए आपके बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपने पहला प्रश्न दिया पाक कला किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। तीसरा प्रश्न है आहार में विविधता लाने के तरीके बताइए, जो आपने श्याम पटकार पे दिया था वही आपने यहाँ प्रश्न किया है। चौथा है बुफे शैली क्या है। तो ये तो हो गए बोधात्मक प्रश्न। आगे देखेंगे श्याम पटकार। श्याम पटकार में बिल्कुल आप वैसे ही ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल से या व्हाइट पेंसिल आती है उससे आप चीजें मेंशन कर देंगे, जैसे कि डेट, जिस भी डेट को लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट, विषय सब्जेक्ट डाल दिया, प्रकरण डाल दिया, पाक कला है, कक्षा 8 या 9 डाल सकते हैं, चक्र प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी आपको डालना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था बिल्कुल वैसे डाल लीजिएगा। और आप प्रश्न एक दे दीजिए पाक कला का अर्थ बताइए, ठीक है, या फिर और भी प्रश्न डाल सकते हैं, बुफे शैली क्या है, आहार में विविधता लाने के तरीके, अपने हिसाब से क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसी सेम बना के दे दीजिएगा और आपको ऐसे ही बिल्कुल बना के लेसन प्लान की कॉपी में चिपकाना है, ठीक है। आगे देखेंगे अगली हेडिंग जो आएगी वो है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य जब छात्राएं श्यामपट कार्य एवं मूल्यांकन कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रही होंगी, तब छात्रा अध्यापिका कक्षा का निरीक्षण करते हुए छात्राओं की आवश्यकता अनुसार सहायता भी करेंगी। तो ये था निरीक्षण कार्य जो कि छात्रा अध्यापिका करेंगी। फिर अगली हेडिंग जो आएगी वो है अभ्यास कार्य, या इसे आप पुनरावृत्ति प्रश्न भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी डालिए गलत नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या कुछ आप प्रश्न देंगे। ये पाठ का पुनः अभ्यास करवाने के लिए छात्राओं को आप प्रश्न देंगे, देखते हैं इसमें। इसमें आपने प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया भोजन परोसने की शैली नहीं है, ऑप्शन दे दीजिए आप और कहिए बताइए इनमें से टिक करके कि कौन सी शैली नहीं है। इसमें पहली है भारतीय शैली, दूसरी है पाश्चात्य शैली, तीसरी है बुफे शैली और चौथी है रसोई शैली, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया भोजन पकाने का उद्देश्य नहीं है, इसमें का पहला ऑप्शन है पौष्टिक तत्वों को नष्ट करना, दूसरा है भोजन को सुपाच्य बनाना, तीसरा है भोजन को खाने योग्य बनाना और चौथा है आहार में विविधता लाना। तो दोस्तों ये थे पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है गृह कार्य, यानी होमवर्क। आप बच्चों को घर से करके लाने को देंगे इसे। इसमें आप प्रश्न कुछ दे दीजिएगा, जैसे आपने पहला प्रश्न दिया पाक कला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, दूसरा प्रश्न है भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पाठ योजना संख्या 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक ही पहुंचे।
ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।